सुनो, कैसा है तुम्हारा वो कजिन? बहुत और अब तक अच्छा चल रही है उसकी ट्रेनिंग? है। हाँ आई थिंक उसको 20-25 दिन और लगेंगे। ओके, दैट्स गुड। आज तो मुझे उसकी बातें नहीं सुनाओगी? यार वैसे वो तुम्हारा कजिन ना बहुत मजे मजे की बातें करता है, और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और हाँ, जब तुम मुझे उसकी बातें बताती हो ना, तो उसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि भाई वो कोई बहुत ही रोमांटिक बंदा है। हाँ पानी तो बहुत है, बहुत हंसाता है। ऐसी ऐसी बातें करता है कि इंसान हंसता ही रह जाए। उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताना कि तुम भी उसको पसंद करती हो? सब्जी काट ली थी तुमने? अम्मी सब कुछ कर लिया, भरोसा तो करे ना। हर चीज में इतनी परेशान रहती हैं आप तो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा? ठीक है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी ठीक है? नहीं वो अम्मी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अम्मी इसको आपने देखा? ये तो ऐसी नहीं थी, इतनी डार्क लिपस्टिक। क्या हो गया इसकी हालत को? हाँ और पता नहीं तुम क्या उल्टी सीधी बातें सोचने लग गई हो। ये पहले तो इतना तैयार नहीं होती थी अम्मी, अब तो डार्क लिपस्टिक लगाने लगी है। क्या मतलब है इतनी तैयार हो गई है? हाँ अगर उसने डार्क लिपस्टिक लगा ली है तो इसमें हर्ची क्या है? और वैसे भी क्या उम्र है मेरी बच्ची की, कौन सा बूढ़ी हो गई है वो? अब तो ज्यादा टाइम थोड़ी बूढ़ा होने में, मेरा मतलब है कि ये रामील के बहुत आगे पीछे घूमती है अम्मी। देखो जैसा तुम सोच रही हो ना ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हा? अगर ऐसा हो गया तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मैं तो बहुत खुश होऊंगी। लेकिन अम्मी